रिलैक्स होती चली जाएगी और मुस्कुराती मुस्कुराती आंखें खोल लीजिए एंड कीप स्माइलिंग. हैव अ ब्लिसफुल डे, अमेजिंग डे. थैंक यू थैंक यू. थैंक यू सो मच रचना जी. तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मोहन जी गुप्ता फिर से एक बार है. आप लोगों ने लास्ट सेशन में उनको सुनाई था, नेचुरोपैथी के मास्टर, ओवर 25 लाख फॉलोअर्स, और आज उन्होंने एग्री किया हमारे बीच में दोबारा से आने के लिए, और आज एक अच्छा टॉपिक लेके आया है. तो मोहन जी गुप्ता का स्वागत करता हूँ. राजेश गर्ग जी आप कॉल पे हैं, आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? राजेश गर्ग जी शायद पूजा जी बोल लेंगी. ओके, आप पता कर लीजिए. पूजा जी नमस्कार. नमस्कार पूजा जी, वेलकम. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. मैं हमारे सभी व्यूअर्स का, जूम पे हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ. और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और हम लोगों को सिखाते हैं कि हम बिना दवाइयों के हेल्दी कैसे रह सकते हैं. हमारा ये काम जो है पिछले 150 साल से, 150 साल से गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा है. पिछले 22 वर्ष से आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी इसको लीड कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी काफ़ी सारी बीमारियां जैसे कि आस्थमा, स्किन डिजीज, स्पेक्स, ओवरवेट, सबको ठीक किया है. और हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो वॉलंटियर करती है ये सेवाएं देने के लिए. हमारे अब किसी का भी ये बिजनेस नहीं है, हम ये सेवा के रूप में काम करते हैं. और हम ये चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जीना जानता हो. आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है, हमारा जो विशेष स्पेशल टॉपिक है, वो है ब्लड प्रेशर के ऊपर, कि ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, और इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं विद इन 7 डेज. आइए आचार्य जी के पास चलते हैं और उनके साथ शुरू करते हैं. जी आचार्य जी, माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. जय मां प्रकृति. होपफुली लास्ट वीक हम आपको मिले थे, नवरात्रा फास्टिंग के ऊपर आपको बोला था, आप सब नवरात्रा जर्नी, नवरात्रा फास्ट जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे. आइए आज हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं. हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं, एक अवस्था है, एक स्टेज है, एक स्पेस है. कैसे? जैसे कि हम ने फौरन जाना है, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़नी है, और रास्ते में कहीं जाम लग गया और हमें मालूम पड़ा कि फ्लाइट छूट जाएगी पक्का. अगर उस समय हमारा बीपी चेक किया जाए तो कैसा होगा? डेफिनेटली बड़ा होगा. और अचानक एकदम से जाम खुल गया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि हमने दौड़ भाग करके कैसे भी फ्लाइट पकड़ ली, और हम प्लेन में बैठ चुके हैं और एक गिलास पानी पी चुके हैं, उसके बाद हमारा बीपी चेक किया जाए तो कैसा होगा? नॉर्मल होगा. तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं, शरीर की एक अवस्था है. और अब हम आगे ये प्रूव करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर हमारे फायदे के लिए होता है, किसी नुकसान के लिए नहीं होता. जैसे कि हम किसी बड़ी बिल्डिंग में हैं, किसी होटल में हैं, और वहां पर आग लग जाए, तुरंत फायर अलार्म सुनते ही हम लिफ्ट को छोड़ेंगे, सीढ़ियों से भागने का प्रयास करेंगे, उस समय अगर हमारा बीपी नापा जाए तो कैसा होगा? हायर होगा. हम कोई गेम खेल रहे हैं और कंपटीशन चल रहा है और बिल्कुल जीतने और हारने के कगार पे हैं, उस समय अगर हमारा बीपी नापा जाए तो कैसा होगा? Obviously higher. हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है
और मार पिटाई हो रही है, पूरा मुकाबला चल रहा है, उस टाइम हमारा बीपी नापा जाए तो कैसा होगा? सेम हायर। और आगे चलते हैं, अगर मेल फीमेल के रिलेशनशिप में जब एरिक्शन होती है, एक्साइटमेंट होती है, उत्तेजना होती है और वो रिलेशनशिप बनाते हैं, उस समय हमारा बीपी हायर ही होता है। तो इन चारों कंडीशनों में हम देख रहे हैं कि बीपी का हाई होना अच्छा है। अगर इन चारों कंडीशनों में बीपी हाई नहीं होगा तो हम खतरे से बच नहीं पाएंगे, किसी मुकाबले में गेम में जीत नहीं पाएंगे, लड़ाई झगड़े में हमारी पिटाई ही हो जाएगी। और जो आजकल महिलाओं को पीसीओडी हो रहा है और मेल्स को इम्पोटेंसी हो रही है, मेल स्पर्म काउंट कम हो रहा है, वीकनेस हो रही है, इम्पोटेंसी है, उसका कारण भी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां हो सकती हैं। क्योंकि जब हम हाई ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, गोली को ये ट्रेनिंग नहीं है कि आपने आप बीपी को नहीं बढ़ाना। गोली का काम क्या है, जो हम ब्लड प्रेशर की गोली रोज खाते हैं उसका काम क्या है? वो या तो बीपी को नॉर्मल रखेगी या नॉर्मल से भी कम करेगी, बस। अब जिन जिन हालातों में बीपी को बढ़ाना है वो बढ़ने नहीं देगी। अगर वो बीपी नहीं बढ़ने देगी तो हमारी इन चारों हालातों में या और ऐसे सभी हालातों में हमारा शरीर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अब जब हम बार बार गोली खाते हैं, काम पे जाते हैं, ये कोई इलाज ही नहीं है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर जिनका किडनी डायलिसिस हो रहा है और जिनका बाईपास हो रहा है, उनकी केस हिस्ट्री में 10 में से 9 लोग या तो आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते पाएंगे या आपको डायबिटीज की दवाइयां देते पाएंगे। ये जो हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, ये रोज की जो गोली है, ये हमारी किडनी को और हमारे हार्ट को और शरीर के जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं सभी को बहुत नुकसान करती है। जबकि कोई किसी व्यक्ति का डायलिसिस हो रहा होता है या बाईपास हो चुकी होती है तो आम तौर पे कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर, दवाई ले रहा हूँ नॉर्मल, शुगर दवाई ले रहा हूँ नॉर्मल, ये जो हार्ट अटैक आ गया या किडनी फेल हो गई ये नया रोग आ गया। हम कहते हैं ये नया रोग नहीं आया, पहले वाले रोग को वर्षों तक दवाइयाँ खा के अंदर दबा के रखा, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। तो जब किसी भी छोटे रोग को अंदर दबाया जाता है तो उसी के धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर वो एक बड़े रोग का रूप धारण करता है। तो अगर हम ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक रखें तो हमारे शरीर का कंट्रोल एक ही हाथ में रहेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है और एक्सीलेटर और ब्रेक किसी और के हाथ में है तो गाड़ी की हालत क्या होगी? जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारा ब्रेन कहता है कि इस व्यक्ति ने परफॉर्म करना है, लड़ाई में जीतना है, गेम में जीतना है, इसका ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए, और हमने कंट्रोल दे दिया टैबलेट को, टैबलेट कहती है नहीं 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 बीपी को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, वो टैबलेट बीपी को नॉर्मल रखने का प्रयास करती है, बीपी हमारा ब्रेन बीपी को बढ़ाने का प्रयास करता है, हमने आपका अपने शरीर का कंट्रोल दो हाथों में दे दिया, दो ब्रेन्स को दे दिया। तो इस तरीके से अगर हम दवाई नहीं लेंगे और हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा तो हमें कोई भी बड़े रोग से ग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। आइए अभी हम जानेंगे कि हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। आइए अपने हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल बिना दवाई के हम केवल 7 दिनों में विद इन 7 डेज नॉर्मल कैसे कर लेते हैं, इसको हम जान लेते हैं। ये उतना ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल, आपको 3 स्टेप्स चलने हैं। इसमें पहला स्टेप है डाइट। उस पहले स्टेप में आपको करना क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं मैजिकल डाइट प्लान। इसमें सिर्फ हम आपके ब्रेकफास्ट को चेंज करते हैं,
आपने करना क्या है, सुबह सुबह खाली पेट जब आप फ्रेश हो गए, आपने कुछ वॉक कर लिया, प्राणायाम कर लिया, उसके बाद आप सुबह सुबह खाली पेट पेठे का जूस लीजिए। सफेद पेठा आज एक नोन नाम है, सब इसको जानते हैं। इसको महाराष्ट्र में चाल कुमड़ो बोला जाता है, बिहार में इसको बुआ बोला जाता है, और दिल्ली में इसे पेठा बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे विंटर मेलन कहा जाता है। ये पेठे का जूस आपने एक ग्लास तैयार करना है। इसका वीडियो लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, मैं नीलेश जी के साथ शेयर कर दूंगी, हम अभी चैट में भी शेयर कर देंगे आपके साथ। ये एक गिलास जूस आपने तैयार करके बिना कोई नमक मसाला नींबू मिलाए, आपका दिन का पहला जो ड्रिंक है वो है पेठे का जूस, आपने सिर्फ वैसे पीना। अगर किसी को ये ना अवेलेबल हो या आपको अभी मेरे कहने से समझ नहीं आया, तो अपना रियल पानी ले सकते हैं, 12 महीने मिल जाता। अगर नारियल पानी किसी को एक्सपेंसिव लगे, महंगा लगे, तो आप सीजनल वेजिटेबल जूस ले लीजिए, जैसे कि घिया टमाटर का जूस, लौकी जिसको दूधी बोला जाता है, लौकी टमाटर का जूस ले लीजिए, या खीरा टमाटर का जूस ले लीजिए, पालक टमाटर स्पेनक पालक टमाटर का जूस ले लीजिए, कोई भी एक सीजनल फ्रूट जूस आप ले लीजिए, अगर आपको ना पेठा मिलता है ना नारियल पानी अवेलेबल, इसके लगभग 2 घंटे के बाद, क्योंकि ये पेठे के जूस में, नारियल पानी में, कच्ची सब्जियों के जूस में, सीजनल वेजिटेबल जूस में बहुत पावर है। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन की, ब्लड को साफ करने की बहुत पावर है, तो इसीलिए आपने लगभग 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना, और 2 घंटे के बाद आपने सीजनल फ्रूट लेनी है। 2 घंटे का मतलब है जब आपको भूख लगे। सीजनल फ्रूट्स में आपके यहाँ मौसम का जो भी फल है, जो आपके यहाँ सबसे सस्ता है और बढ़िया है, जैसे दिल्ली में इस समय संतरा है, मौसमी है, गोल्डन एप्पल है, शरीफा है, अनार है, पपाया है, मौसमी है, कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप अच्छे से प्लेट भर पेट भर खाइए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक पीस नहीं खाना है, प्लेट भर पेट भर खाना है, और कोशिश करें सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट खाएं, फ्रूट चाट बना के ना खाएं, एक पीस को ले लिया एक पीस को ले लिया, उससे फायदा कम होगा, सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट खाने से फायदा ज्यादा होगा। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया 10 बजे के आसपास। अब 12 बजे, 12 बजे आप प्लेट भर सैलेड खाइए। सैलेड में सीजनल वेजिटेबल्स लेने हैं, जैसे दिल्ली में अभी देसी खीरा है, जिसको शायद ककड़ी बोला जाता है महाराष्ट्र में, देसी खीरा है, देसी टमाटर है, और एक नारियल की गिरी, जो हमने नवरात्रों में देवी माँ को चढ़ाकर उसकी पूजा हम करते हैं, वो नारियल की गिरी का लगभग एक बिस्किट साइज जितना आप पीस ले लीजिए, और उसको ग्रेट करके आप सैलेड के ऊपर डालिए। खीरा को छोटा छोटा काट लीजिए, टमाटर को काट लीजिए, नारियल की गिरी को डालिए, हरा धनिया को बिल्कुल छोटा छोटा काट लीजिए, ये फुल प्लेट ऑफ सैलेड। इसमें कोई नमक मसाला नींबू मत डालिएगा, हमने ना फ्रूट पे डाला है, ना जूस में डाला है, ना आप सैलेड पे डाल रहे हैं। ये सैलेड इतना मीठा है, इतना टेस्टी, आप आज मेरे कहने से खा के देखिए। 12 बजे तक मैंने आपको 3 चीजें खिला दी। अगर आप इस ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे, आपको मैं पहले से ज्यादा खिला रही हूँ, आपको भूखा नहीं रखती हूँ। कहने का मतलब क्या है, 12 बजे तक आपने कुक्ड फूड, आग पे पका हुआ कोई भी खाना, कोई भी भोजन नहीं लेना। 12 बजे के बाद आपको जब भूख लगे, 1:30, 2, 2:30 बजे जब आपको भूख लगे, आपको जो लगता है मेरी हेल्थ के लिए ये बहुत बढ़िया है, ये खाना बहुत अच्छा है मेरी हेल्थ के लिए, आप वो चीजें ले सकते हैं। 2 बजे आप लंच ले लीजिए, 2:30 बजे जब आपको भूख लगे, और डिनर में भी आप जो रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं वो ले लीजिए। कहने का मतलब है हमने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया आपके साथ, सिर्फ आपके ब्रेकफास्ट को बदला है। इसके साथ साथ पेट को सेट करने के लिए, क्योंकि जो कोई भी बीमारी है उसकी जो जड़ है वो क्या है, हमारा स्टमक, चाहे वो बीपी है या कोई और है, तो स्टमक को सेट करने के लिए हमने पेट के ऊपर एक वेट पैक लगाना, गीली ठंडी पट्टी लगाना। वो एक बहुत सिंपल कॉटन कपड़ा है, हाथ की बुनी हुई खादी का, 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, उसको आप पानी में भिगोकर, तय लगाकर, और पेट के चारों तरफ लपेटना है। उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर किसी का बीपी हाई हो और वो पेट के ऊपर पट्टी लगा ले, एकदम पाएगा। दिन में 2 बार आप पेट के ऊपर पट्टी लगा लीजिए। अगर आप में से कोई कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं, तो फिर आप एनएलएस का नॉन वॉयलेंट एक एनिमा होता है, जिसकी कोई आदत नहीं पड़ती, वो पूरे तरीके से नॉन वॉयलेंट है, आप उसको यूज करके अपने स्टमक को सेट करेंगे। कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि इस प्लान को फॉलो करने के बाद विद इन 3 डेज आपका बीपी
डाउन आना शुरू हो जाएगा। जब भी आप इसको गोली लेंगे ना, बीपी की गोली लेने का आपका टाइम आ जाएगा, आप पहले बीपी को अपने को चेक करेंगे, आप देखेंगे या तो वो पहले से कम आएगा बिना गोली खाए, अभी अभी गोली नहीं खाई, या तो वो पहले से कम आ जाएगा जितना हायर वो रहता था पहले बिना गोली के, या फिर नॉर्मल ही आ जाएगा, और उसी हिसाब से आप दवाई लीजिएगा। अगर वो पहले से कम आए तो आधी गोली लीजिएगा, अगर नॉर्मल आए तो मत लीजिएगा, नहीं तो बीपी लो हो जाएगा। इस तरीके से आपकी दवाई, आप देखेंगे 3 से 7 दिन के अंदर बीपी की दवाई आपकी बंद हो जाएगी। हमारी एक बुक है रोगों से बचाव, जिसमें ये पूरी जानकारी हमने दी हुई है, आप उससे पूरा और तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ टाइम सिर्फ 20 मिनट ही है, बहुत लंबा टाइम, क्योंकि इसके ऊपर हमारे वीडियो है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं, हमारे हर संडे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, आप वो देख सकते हैं, हमारे वीडियो सेशन है मेडिसिन फ्री लाइफ, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, जो 4-5 घंटे के वीडियो होते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है कि आप हमारे कहने से केवल इसको 1 हफ्ता करके देखिए, आपको ड्रेस्टिक चेंज होगा, नॉट ओनली इन बीपी, आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी एसिडिटी, आपका वेट लॉस, आपकी डायबिटीज, सभी बीमारियों में आपको बहुत ज्यादा फायदा। अगर आपको ये लगता है कि आप हमारे साथ रहकर ये सीखना चाहते हैं, मतलब आप, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, आप कहीं बुला लो हम आ जाएंगे आपके पास रह के सीख लेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। हम हर 1 महीने 1.25 महीने के बाद 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं, जिसमें लगभग 125-150 लोग हमारे साथ 4 दिन के लिए रहते हैं, और हमारी पूरी टीम वहीं रहती है, आचार्य जी, हम, हमारी पूरी टीम 4 दिन आपके साथ रहती है, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो बीपी है, डायबिटीज है, या कोई और चीजें हैं, कोई और सब कुछ के ऊपर आपको अलग अलग कोचिंग दी जाती है, आपको सारी बात समझाई जाती है। विद इन वहाँ 3 दिन के अंदर ही आप अपनी ब्लड प्रेशर की गोली डस्टबिन में फेंक कर आते हैं। इंसुलिन वालों का इंसुलिन या तो टेपर हो जाता है या कम हो जाता है, गोलियां बंद हो जाती हैं, 3 दिन में 3-4 किलो वजन कम हो जाता है। इस तरीके की लाइफ, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा के इनहेलर गायब हो जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ रहकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो दिवाली के बाद 8 से 11 नवंबर दिल्ली हमारा प्रोग्राम है। आप लोग जो दिल्ली से बाहर से हैं, महाराष्ट्र से हैं, या गुजरात से हैं, या कहीं और से हैं, मैं आप सब लोगों को दिल्ली में इनवाइट करती हूँ, 4 दिन के लिए आइए आप, आपकी सेहत के लिए ये बहुत बड़ा यू टर्न होगा। हमारी पूरी टीम जो कि इस सेवा के काम में निष्काम भाव से लगी हुई है, केवल और केवल यही सेवा भाव से करती है, उनका इसमें पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पेठे का जूस पिलाने से, आपको सैलेड खिलाने से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सब यही चाहते हैं कि केवल केवल पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है वो भी यही है। तो आप हमें सेवा का मौका जरूर दीजिए। और हाँ, एक स्पेशल बात कि हमारा एक हेल्थ केयर नंबर है, फ्री हेल्थ केयर नंबर है 24x7। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी चैट में हमारा हेल्थ केयर नंबर शेयर कर दें, आप उस पर 24 घंटे 7 दिन किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं, अगर आप हेल्थ के बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, आपको कोई चैलेंज आएगा, आप उनसे पूछ सकते हैं इसको कैसे शुरू करूं, और कोई बात आप जानना चाहते हैं, पट्टी एनिमा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमारी टीम में से कोई उसको नंबर को शेयर कर दे, या आप लिख लीजिए 011-4084-6380। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ राजेश गर्ग जी से, 011-4084-6380 ये हमारा नंबर है हेल्थ केयर नंबर, आप इस पे बात करके कोई भी हेल्थ कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई भी और जानकारी चाहिए आपको ले सकते हैं। रजत पाठक जी ने लिख दिया, थैंक यू रजत जी, ये हमारा हेल्थ केयर नंबर। तो अब एक बार फिर मैं आचार्य जी के पास वापस चलूंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये सब जो आज आपको बताया है, छोटा सा प्रोग्राम, इसका नाम है चेंज योर ब्रेकफास्ट मील, इसको करके अगले हफ्ते तक आप में से बहुत सारे लोग बीपी की मेडिसिन से फ्री होंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी, डियर फ्रेंड्स, आप 1 हफ्ते बाद अपना बीपी चेक कराएंगे, आपको मेडिसिन टेपर ऑफ करनी पड़ेगी, आप इस तरीके से अपनी दवाइयां बीपी की बंद कर सकते हैं और बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। संक्षेप में, अंत में मैं एक ही लाइन बोलूंगा, देयर इज नो हाई ब्लड प्रेशर, इट्स हाई फूड प्रेशर ओनली। देयर इज नो हाई ब्लड प्रेशर, इट्स हाई फूड प्रेशर ओनली।
और पूजा जी काफी डिमांड है कुछ लोगों की, आप ये ऑसम ग्रुप है जी, तो ग्रुप में हमारा पट्टी का वीडियो, अनीमा का वीडियो, 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम का फ्लायर, MFL, ये सब चीजें शेयर कर दें। मैं नीलेश जी को भेज देती हूँ एंड नीलेश जी सब चीजें फॉरवर्ड कर देंगे आगे। बिल्कुल ये सेशन खत्म होते ही नीलेश जी के पास ये सभी चीजें पहुंच जाएंगी मेरी ओर। और हमारे जो दिवाली के बाद वाला 4 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसमें नीलेश जी भी आ रहे हैं, नीलेश जी आ रहे हैं, साथ रहेंगे जी। वो आप भी आइए। तो किसी का क्वेश्चन हो, एक आध मिनट है, कुछ हाथ खड़ा हो रहा है। थैंक यू आचार्य जी। यस वी हैव टाइम, सो डॉक्टर पल्लवी ने अपना हाथ खड़ा किया। डॉक्टर पल्लवी, कैन यू अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन पूजा मैम से है। मैम, अपने लास्ट सेशन में और इस दोनों सेशन में आपने वेजिटेबल्स और जो नेचुरल डाइट है उस पर काफी भर दिया, और आई अप्रिशिएट दिस कि नेचुरल लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम डाइट के कंपोनेंट्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, तो इसमें इस डाइट प्लान में मुझे प्रोटीन कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है, क्योंकि कहीं भी स्प्राउट्स या पल्सेस के बारे में बोला नहीं है। तो आपको नहीं लगता क्या कि प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है? जी आचार्य जी, आप बोलेंगे या शुड आई? आप बोलिए, मैं ऐड कर दूंगा अगर कुछ जरूरत हो। देखिए, बिल्कुल प्रोटीन इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए डॉक्टर पल्लवी, लेकिन हम इस बात पे फोकस करते हैं कि प्रोटीन हमें डाइजेस्ट होना चाहिए, हमें प्रोटीन डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो फिर उसका हमें फायदा मिलेगा, अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर उससे बीपी बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात, 12 बजे के बाद मैंने आपकी कोई भी चीज बंद नहीं की है, 12 बजे के बाद जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इसीलिए हमने आपकी कोई प्रोटीन डाइट को बंद नहीं किया है। और जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, बच्चे हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो बच्चे अपने सैलेड के अंदर स्प्राउट्स को, मतलब दालों को अंकुरित करके थोड़ी मात्रा में स्प्राउट्स डालकर दालों में ले भी सकते हैं। जी अच्छा, हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। और आप जो ये लौकी का बोलते हैं, ये मिक्सर में पूरा जूस करना है कि किसी जूसर में? जूसर में भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी कर सकते हैं। अगर जूसर में तो फाइबर निकल जाता है ना पूरा? नहीं नहीं, जूसर आप ऐसा नहीं है, मिक्सी में कर लीजिए आप, दैट इज फार बेटर ऑप्शन। उसमें छोटे छोटे पीसेस करके उसी में उसको आप क्रश कर लीजिए, टमाटर डाल के, और छान लीजिए, तो बहुत अच्छा जूस निकल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी। मैं जानता हूँ आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम टाइम एक्सीड कर चुके हैं, तो टाइम की डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आप सबके साथ ऑसम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। नंबर आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधा 24 और अपलाइन में बात करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सब लिसनर्स को, सबको व्यूअर्स को बहुत अच्छा संदेश सुबह सुबह दिया है, और कैसे अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे, हम आगे भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप लोगों का प्रोग्राम चलता रहे, हम आगे भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ऑसम ग्रुप वालों को मैं एक शेयर करना चाहता हूं कि कल भी एक बहुत सेलिब्रिटी, बहुत जानी मानी सेलिब्रिटी, जो इंटरनेशनल स्पीकर हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वो फॉरम करती रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिनोन्ड हैं, वो आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग आएँ। इंटरनेशनल स्पीकर हैं, वो एग्री किए हैं हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को आप आना है। वी वॉन्ट दिस ग्रुप टू गो 1000 पीपल तक, हमें जाना है 1000 नंबर हमें अचीव करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो, थैंक यू सो मच। और कल जो स्पीकर आ रहा है ना, वो वुमन एम्पावरमेंट के लिए अपने देश में उन्होंने जितना काम किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। उनका नाम करीब करीब 35 कंट्रीज में पॉपुलर है। तो मतलब आपने कल का सेशन, मतलब ऐसा समझ लो कि हर एक ने सोचना चाहिए कि मेरे लाइफ के कम से कम 10 लेडीज को मैं लेकर आऊं, ताकि हम रियल टाइम में वुमन एम्पावरमेंट कर सके। कल मिलेंगे सवेरे। संदीप जी थैंक यू वेरी मच, मोहन जी आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने हमारे रिक्वेस्ट को यस कहा। आपका सीरीज हम चालू रखना चाहेंगे,
थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर कर देंगे हम आप सब लोगों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीलेश।